ओके, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम गायत्री देसाई है और मैंने ये शो क्यूरेट किया है मेरी गैलरी में। द नेम ऑफ द गैलरी इज डी डी नरोय गैलरी एंड दिस इज बेसिकली एन आर्ट एग्जिबिशन कॉल्ड एम्पावरमेंट विच इज फीचरिंग द वर्क्स ऑफ 30 टैलेंटेड वुमेन आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हु हैव ऑल कम टुगेदर ऑन दिस प्लेटफॉर्म टू सेलिब्रेट वुमेन्स डे and they have portrayed in their works their thoughts their vision it is their message which they are putting forward in their paintings and a message to the world and it is indeed on this auspicious day that what they wish to say has been expressed on canvas in different mediums so we welcome all to this exhibition which starts today and it's here till the 15th मैम आपसे जानना चाहेंगे जैसे कि आपने कहा कि 30 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया तो आपने सिलेक्शन कैसे किया उन लोगों का Selection actually all the 30 artists are very very talented. Selection has gone in terms of the style, in terms of the medium, in terms of the subject. इन सब चीजों को एक साथ रख के उनके कैपेबिलिटीज उनका काम का मैच्योरनेस देख के हमने काम इनफैक्ट सिलेक्ट किए हैं इट हैज बीन क्वाइट अ टास्क टू सिलेक्ट द वर्क्स बट यस आई थिंक वी हैव गॉट सम वेरी ब्यूटीफुल वर्क्स एट द गैलरी जैसे कि आज महिला दिवस है तो आप भी किसी ऐसी महिला को मानती है जो जैसे कि मदर टेरेसा हो गई ऐसा कोई जिसे आप अपना आइडल मानती हो उसके बारे में बताना चाहेंगे मैं तो कहूंगी मदर टेरेसा ही मेरी आइडल है इनफैक्ट पूना में उनका जो एक बहुत ही सुंदर आश्रम है वेर इनफैक्ट आई हैड विजिटेड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड आई कुड से शी इज रियली द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑल वुमेन टू ऑल मैनकाइंड एंड आई थिंक शी वुड बी माय आइडल एंड आई लुक अपॉन मदर टेरेसा Wherever she is definitely blessing all of us on this occasion of Women's Day, International Women's Day. मैम आप क्या कहना चाहेंगी इस कार्यक्रम को लेकर क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगी जो 30 पार्टिसिपेट किया लोगों ने? जी मैं डॉक्टर उमा रेले नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय जो कि अफिलिएटेड कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की उनकी प्रिंसिपल हूँ वहाँ की और मैं खुद भरतनाट्यम डांसर हूँ अभी मैं हम लोग बात ही कर रहे थे कि वैसे देखा जाए तो औरतें आधार स्तंभ होती है सोसाइटी की पूरे सोसाइटी की आधार स्तंभ घर भी बिना औरत के चलता नहीं या कोई भी रोल में देखो बिना औरत के चलता ही नहीं तो हमारे यहाँ जो शक्ति का कॉन्सेप्ट है जो जहाँ प्रकृति माना जाता है औरत को या शक्ति माना जाता है वही सही सोच है मेरे हिसाब से क्योंकि जहाँ पे ऐसा कहा गया है कि बिना शक्ति शिवा शवा मतलब शिव भी कुछ भी नहीं है सिर्फ हड्डियाँ हैं अगर शक्ति नहीं है तो बिना शक्ति के अगर शिव शव है तो पूरी सोसाइटी रह ही नहीं सकती तो मेरे हिसाब से रोज ही सेलिब्रेट करना चाहिए महिला दिन जहाँ पे महिलाओं को अपने अपने महिला होने का सम्मान पैदा हो ये बहुत जरूरी है और जैसे कि पेंटिंग का एग्जीबिशन रखा है कैसा एक्सपीरियंस रहा तमाम ये जो पेंटिंग आपको लगा या ये जो पेंटिंग है आज डीडी नरोय गैलरी में जहाँ गायत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया है जहाँ पे 30 महिलाएं आके जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया है यही काम को लेके एम्पावरमेंट जब बोलते हैं तो वही हुआ कि जहाँ पे विमेन कैसे औरतें कैसे अपने आप को सुदृढ़ या सशक्त मानती हैं तो हर एक पेंटिंग में वो झलक रहा है हर एक अपने अपने तरह से कहीं ना कहीं वो झलक रहा है कि औरत कितनी क्रिएटिव कितनी सशक्त हो सकती है पेंटर के हिसाब से भी कैसे आप अपना योगदान कर सकते हो इस सोच में और ऐसी कोई महिला जो आप अपना आइडल मानती आपने मदर टेरेसा अभी बताया वो तो है ही है मगर मुझे लगता है हर एक महिला जैसे मैं अभी आपका अभी गायत्री जी के साथ बैठी हूँ हर एक महिला अपने अपनी तरह से कुछ एक अलग ही होती है और स्ट्रांग ही होती है तो हर एक से कुछ लेन देन होना ही चाहिए सीखना ही चाहिए हर एक रोल में ऐसा मुझे हमेशा लगता है मतलब रास्ते से जाने वाली औरत कोई भी हो सबसे सीखने लायक कुछ ना कुछ बिल्कुल आई टोटली अग्री विद डॉक्टर उमा जी एंड मैं तो कहूंगी द वुमन द औरत ऑफ टुडे She is like us, the
क्या कहते हैं उसको, ये यार्न थ्रेड या ऊन, शी इज द वन हु इज निटिंग निटिंग कीपिंग द फैमिली टुगेदर. We are not realizing that she is the substance and she is the power behind everything. So she is the needle and she is the thread and she is keeping the fabric of the family together. She is the one who is keeping the fabric wherever she goes together, whether it's home, whether it's in the career, whatever profession she is in, whether she's an actor, dancer, painter. It's that important fabric which she is holding together. And because of that, I think we today are here standing tall in the society and today celebrating Women's Day together. सबसे पहले तो आज का जो दिन है बहुत बड़ा दिन है, उसके लिए इतने बड़े माहौल में मुझे बुलाया, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू. And secondly, I would like to take the opportunity to talk in Marathi, if it is okay. जागतिक महिला दिन माझं थोडंसं याबाबतीत थोडंसं वेगळं मत आहे, कारण की स्त्री शक्ती आदिशक्ती या सगळ्या गोष्टी तर आहेतच आहे, पण कुठेतरी अर्धा नारी नटेश्वरचा पण आपल्याला विचार करायला हवा. बऱ्यापैकी जग पुढे चाललेलं आहे, मी नृत्य क्षेत्रातली आहे. मी जेव्हा माझं करिअर सुरू केलं होतं त्या काळाला नृत्याला नाच म्हटलं जायचं, आणि आज नाच या शब्दापासून आपण नृत्यामध्ये आलेलो आहे. तो हा एक खूप सुंदर प्रवास झालेला आहे. आणि जसं सामाजिक गोष्टी या सगळ्या गोष्टीमध्ये एक समाजाचा पण जेव्हा आपण विचार करतो, आय फील की स्त्री भ्रूण हत्या असेल किंवा या सगळ्या गोष्टी, ॲटलिस्ट मुंबई म्हणजे मला एवढा आतल्या गोष्टीचा माहीत नाही आहे, पण बऱ्यापैकी अवेअरनेस मला हल्ली दिसतो आहे की एक स्त्रीचा आदर करणं किंवा पुरुष आणि स्त्रीची समानता. आजच्या या दिवसामध्ये मी फक्त एवढंच म्हणेन की स्त्रीला तुम्ही कमी लेखू नका किंवा अगदी डोक्यावरही चढू नका. आमची फक्त एवढीच इच्छा असते की स्त्रीला तुम्ही तुमच्या बाजूला घ्या. स्त्री आणि पुरुषाने समानतेने जर काही केलं ना तर सगळ्या गोष्टी होऊ शकतात. आता आपलं एक शहरच आपण म्हणूया, दोघांनी नाही केलं तर संसाराचा गाडा पुढे जाणं अशक्य आहे. आणि तेव्हा त्या स्त्रीची फक्त एवढीच इच्छा असते की दिवसभर दगदग करून आपल्या मुंबईसारख्या एवढ्या ट्रॅव्हलमध्ये बस आणि ट्रेन्समध्ये ट्रॅव्हल केल्यानंतर फक्त तिला एखादा चहाचा कप निदान नाही केला पण फक्त विचारला रे तू थकली आहेस. बिकॉज ना बायकांचं हृदय खूप कोमल असतं, दे आर व्हेरी व्हेरी सॉफ्ट फ्रॉम देअर हार्ट, आणि त्या भोळ्या असतात, त्यांना जरा फक्त थोडंसं पॅम्परिंग मिळालं ना दुप्पट कामाला लागतात. आणि या गोष्टीचा फायदा पण बरेच जण पुरुष घेतात आणि काही जण अगदी निरागसपणे प्रेमही करतात. परत एकदा मी रिपीट करते, जागतिक नृत्य दिनाच्या अरे जागतिक महिला दिनाच्या या दिवसामध्ये स्त्री आणि पुरुष हे समानतेनेच वागवा एवढीच आमची अपेक्षा. सो युअर थॉट्स आय थिंक आय अग्री विथ यू ऑन देम, अँड इट इज इनडीड अ प्लेजर टू हॅव यू विथ अस टुडे. And I think we all have learned so much from you. I would like to congratulate Gayatri for doing such a good show for all of us. और इतने सारे paintings हैं, आज Women's Day है और यहाँ पर हम इतने paintings देख रहे हैं अलग अलग subjects पर. मेरी भी paintings लगने वाली थी लेकिन for some reason I couldn't make it because of time constraints. लेकिन आज मैं आप सबके सामने poetry सुनाने वाली हूँ आप सबको, जो वुमेन्स डे पर है और पेंटिंग्स पर है. तो आई विल बी ग्लैड दैट यू ऑल शुड लिसन टू इट. और मैं गायत्री जी को थैंक यू कहना चाहूँगी कि शी इन्वाइटेड मी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर. और मुझे लगता है कि ये जो सारे पेंटिंग्स हैं जो हमें वुमेन्स डे पर नज़र आ रहे हैं उसमें स्त्री शक्ति और क्षमता एंड शक्ति, इस चीज़ का कॉन्सेप्ट मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है. एंड इट्स वेरी वाइब्रेंट और कलरफुल, जो आपने मेरे कैरेक्टर्स में भी देखा होगा, दिया और बाती हम और अलग अलग रोल्स जो मैंने निभाए हैं वो भी स्त्री शक्ति और पावर पे है, वुमेन पावर पे है. तो वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं चाहती हूँ कि हर साल आप इस तरह के एग्जीबिशन करें. Yes, absolutely. I agree with you on that. I agree with you. हम सब इस बात को सहमत है कि वुमेन्स डे सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे साल होना चाहिए. और मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे